तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल शात है यू पे। मेरे साथ दोस्तों आज जरूरी और मजेदार वीडियो के साथ दोस्तों फाइनली एक और वीडियो में आप सब लेकर आया हूँ, वो भी कुछ है गेम से रिलेटेड। यानी अगर आप GTA 5 खेलते हो या फिर कोई भी अदर गेम हो जिसमें आपको इस तरह का प्रॉब्लम आता हो, यानी कि एरर शो कर रहा है तो जो आप गेम प्ले कर रहे हो, मैं फिलहाल तो अभी GTA 5 के बारे में बात कर रहा हूँ, आप गेम को प्ले कर रहे हो उसमें आपको इस तरह का एरर आ रहा है, तो ये इस एरर को आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वो एरर दिखाता हूँ जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। मतलब GTA 5 को जब मैं ओपन करूँगा, उसमें ओपन करने के बाद वो एरर इसमें शो करने लगेगा, यानी कि मेरी गेम प्ले नहीं होगी, सिस्टम एरर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो भैया ये दिक्कत को हम मैं दूर कैसे करूँगा और आप भी दूर कर पाओगे वो भी इजीली करना कुछ, या कोई भी एक ब्राउजर खोल लीजिए, उस ब्राउजर आपको सर्च बार बार टाइप करना होगा, या आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा पूरा डाल देना, ऊपर का नंबर आप चेंज कर देना, आपको विंडो 10, 11, XP 7 जो भी हो आप वो डाल देना, और नीचे आपको लिंक आ जाएगी, लिंक पर करना होगा आपको क्लिक। क्लिक करने के बाद ही आपको वो मेन फाइल खुल जाएगी, यानी कि आपको जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कोने की तरफ आपको डाउनलोड का रेड कलर का है, इस पर आपको दबाना होगा और दबाते ही आपको वो आपकी सेटअप है हो जाएगा डाउनलोड। बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है, बहुत आपको सामने डाउनलोड हो चुका है। अब आप सीधा पहुंच जाइए अपने वहां पर जहां पर भी डाउनलोड का सेटअप पड़ा है, ये पड़ा हुआ है, इस पर मैं करूँगा डायरेक्ट डबल क्लिक और सीधा आपके इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मांग रहा है, मैं ये इसकी परमिशन दे दूँगा माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट एक्स को, और सीधा आपके सामने ये भैया फाइल खुल चुकी है। करना कुछ नहीं है, अब इसे आप एक बार में देता हूँ आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट को मैं कर देता हूँ एक बार अप्लाई, और नेक्स्ट करके इसे मैं दोबारा बढ़ जाता हूँ नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट करने को ऑप्शन नहीं, आपके सामने इंस्टॉलेशन और आपका जो ये है, एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, ये इसको लगती है थोड़ी सी इंटरनेट की जरूरत पड़ती होगी, अगर आपके पास वाईफाई है तो आप वाईफाई भी कनेक्ट कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा 90 MB के करीब ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन ये बाद में मांगता है, क्योंकि इस सेटअप को इंस्टॉलेशन करने के लिए भी एक इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी ये सिर्फ इंस्टॉल नहीं हो रहा है, अभी ये डाउनलोडिंग हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद उसके बाद ये इंस्टॉल होगा। तो ठीक है, पहले से डाउनलोडिंग होने देते हैं और उसके बाद ये इंस्टॉलिंग ऑप्शन पे जब मांगेगा हम इसे दोबारा परमिशन दे देंगे। वैसे देने की जरूरत है नहीं, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने के बाद खुद ही इंस्टॉल हो जाता है, परमिशन में देने की जरूरत पड़ती नहीं है। आपके सामने आ चुका है डाउनलोडिंग कम्प्लीट हो चुका है, उसके बाद आपकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेसिंग में खुद ऑटोमेटिकली चालू हो गया है। बस आपको करना कुछ नहीं है, सब कुछ जो हो रहा होने दो, आपके सामने आप सिर्फ देखते रहो, उसके बाद जो कुछ होगा आपका गेम खुद ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा चलने के लिए। तो ठीक है, इसे भी ऑप्शन पूरा कम्प्लीट होने देते हैं और 2 मिनट के बाद आप पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, हम वेट कर लेते हैं और हमारे ये डन हो चुका है। अब आपको मैं दिखाता हूँ प्ले करके अपना GTA 5, इसमें मैंने करा डबल क्लिक पे, मैंने बटन दबाया, अब ये कुछ भी ऑप्शन नहीं मांगेगा, मतलब एरर कुछ भी अब नहीं आएगा, क्योंकि एक छोटा सा सेटअप की वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई है, आप इजीली यूज़ कर पाओगे अपनी इस प्रॉब्लम को और इजीली चला पाओगे अपने गेम को। ठीक है, डन हो चुका है, अब हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि GTA 5 जैसी बात है इसमें ऑन होने में तो इसमें टाइम लगता ही है। तो ठीक है, हम थोड़ा सा और प्रोसेसिंग में थोड़ा वेट कर लेते हैं, तो उसका हम कर देते हैं मिनिमाइज, आ जाता है अपना सीधा डेस्क टॉप के ऊपर। अब यहाँ पे हमारा गेम होगा चालू, यानी कि चालू हो चुका है, ब्लैक स्क्रीन आ चुकी है। अब थोड़ा सा लोग वगैरह आएंगे और मैं आपको बता दूँ, मैंने GTA 5 का नाम लिख के इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर एक मोड डाल रखा है क्वांट वी का, यानी कि थोड़ा उसमें इसका जो वाटर मार्क है वो हटाना में भूल गया, सीधा नाम ही लिख के आ रहा है और ऑप्शन यहाँ पे ठीक है स्टार्ट हो चुका है, यानी हमारा गेम अब ईजिली आप खेल पाओगे इस गेम को। करना कुछ नहीं है, ये छोटी सी सेटअप की वजह से आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ठीक है गाइस, फ्रैंकलिन के पास 2 मिशन इस टाइम पे भी, तो फ्रैंकलिन का चेक देखते हैं कि उसको नेक्स्ट मिशन से क्या मिलेगा। ओके, लोंडा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो रफी ये रखी कहाँ है, कोकोनट पी पा कर रखी कहाँ इसने, लेकिन आगे बढ़ के देखो भाई गायब, कमाल है, कोल्ड ड्रिंक ही गायब कर दिया ने बंदे ने। तेरी बाइक तो भैया मस्त लगती है लेकिन सही यूज नहीं करना, आज मेरा मन नहीं तेरा बाइक चलाने का। और अंकल जी नो स्मोकिंग, स्मोकिंग डेंजरस हेल्थ, और जिस जगह पी रहे हो तो वो मुझे मारे, अबे एक पीने से मना करो, एक पीने से मना करो, ऊपर से लड़ाई करोगे